हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है मेरा आज का सॉलिड स्टेट डिफेक्ट इन सॉलिड्स। डिफेक्ट इन सॉलिड में हमने कई टाइप के डिफेक्ट पढ़ रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको मेरा स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मिल जाएगा। कौन कौन से डिफेक्ट तो होते थे स्टाइकोमेट्रिक में, वैकेंसी है इंटरस्टीशियल, शॉर्टकी और फ्रेंकल, काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्टकी और फ्रेंकल, उसे प्लीज जरूर तैयार कर लीजिएगा शॉर्टकी और फ्रेंकल। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने वहां पे पहले कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन आज हम लोग नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं बारी बारी से सारे डिफेक्ट आपको बताऊंगा कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक में कौन कौन से डेवलप होने वाले हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक आखिरकार हम कहना किसको चाह रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपका कोई भी एक आइडियल क्रिस्टल्स होता है, मान लीजिएगा कोई भी एक आइडियल क्रिस्टल्स है और उसके अंदर कोई कैटायन या एनायन प्रेजेंट रहता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस आइडियल क्रिस्टल्स के अंदर कोई ना कोई कैटायन और एनायन आपका प्रेजेंट रहता है। अगर कैटायन और एनायन इवन नंबर में आपको ट्रांसफर करते हैं या लेफ्ट साइड को छोड़ के चले जाते हैं, तो आपका जो आइडियल क्रिस्टल्स का रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बैलेंस रहती है, ऐसा कहा जाता है, वो स्टाइकोमेट्रिक होता है। लेकिन अगर आपके आइडियल क्रिस्टल्स में से अगर कैटायन मिस हो जाए या केवल एनायन मिस हो जाए, तो रेशियो जो है इस आइडियल क्रिस्टल का है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी भी आपकी डिस्टर्ब होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, रेशियो तो डिस्टर्ब होता है लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी आपकी बैलेंस रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी नॉन स्टाइकोमेट्रिक में बैलेंस रहने वाली है। ठीक है, तो फाइनली क्या क्या होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, ये बात समझ में आ गई होगी है कि रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा आइडियल क्रिस्टल्स का। ये रेशियो डिस्टर्ब कब होगा ये दो लॉजिक है मेरे पास, या तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा वहां पे या वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बनेगा। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का ही पार्ट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट किस टाइप का डिफेक्ट होगा, स्टाइको होगा, नॉन स्टाइको होगा या इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। तो आंसर होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट है तो नॉन स्टाइको होगा, और अगर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है तो भी वो नॉन स्टाइकोमेट्रिक का पार्ट होगा, मतलब रेशियो डिस्टर्ब हो चुका है। रेशियो डिस्टर्ब होने के दो लॉजिक है मेरे पास। ठीक है, क्या क्या लॉजिक है, या तो एनायन वैकेंसी होगी, ठीक है, या तो एनायन में वैकेंसी होगी या एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टीशियल साइड में आ जाएगा, जिसकी वजह से मेटल एक्सिस डिफेक्ट डेवलप होने वाला है। ठीक है, और मेटल डेफिशिएंसी कब डेवलप होगा, या तो कैटायन वैकेंसी होगी वहां पे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट के अंदर, या तो कैटायन वैकेंसी होगी या एक्स्ट्रा एनायन उसके इंटरस्टीशियल साइड में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सारी डिफेक्ट आपके आने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये तो आपकी होती है क्रिस्टल साइड, ये तो आपकी होती है कोई भी क्रिस्टल लैटिस है जिसमें ये तो लैटिस साइड है आपकी, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर एनायन वैकेंट होगा, एनायन वैकेंट होगा तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा, या एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, वो क्या कहना चाह रहा है, या एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए इंटरस्टीशियल साइड में तो भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो एक और बात कर रहा है कि या तो कैटायन मिस हो जाए, आपका जो इंटरस्टीशियल जो आपका लैटिस साइड है यहां से कैटायन मिस हो जाए तो भी आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डेवलप होगा, या वो कह रहा है कि एनायन आपका इंटरस्टीशियल साइड में आ जाए, ये बात वो आपसे कहना चाह रहा है, तो इसकी वजह से ये सारे डेवलप होंगे। तो ये तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन था, मैं आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं एक और बात बता दूं कि जैसे कि आयरन का ऑक्साइड जो है ये आपके नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, एक्चुअल में जो इसकी रेंज होती है वो ये आयरन के सेकंड ऑक्साइड की रेंज नहीं है, लगभग आयरन की 0.84 से 0.94 के बिटवीन इसकी रेंज रहती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के ही एग्जाम्पल्स है। निकल का ऑक्साइड भी होता है, काफी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे अभी हम लोग बारी बारी से सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एनायन, एक्स्ट्रा कैटायन डेफिशिएंसी, कैटायन, एक्स्ट्रा एनायन, ये सारे समझने वाले हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं काफी, आप लोग देख सकते हैं कैसे कि एनायन वैकेंसी होगी क्रिस्टल लैटिस सिस्टम के अंदर तो क्या होगा, आपका जवाब होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा सर,
अगर फैटी एसिड इफेक्ट है तो किसका पार्ट है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक का। वो कहता है कि अगर एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है इंडस्ट्रीशियल साइड में तो क्या होगा? तो मेटल एक्सिस इफेक्ट होगा और वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होगा। या वो कहता है कैटायन वैकेंट हो चुका है, ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट होगा और वो भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक होगा। या वो ये कह देता है कि एक्स्ट्रा एनायन आ चुका है इंडस्ट्रीशियल साइड में तो कौन सा इफेक्ट होगा? तो आपका जवाब होगा कि वो भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन चुके हैं काफी आपके लिए, आप इसे समझिए और आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा।